हिजाब को लेकर सड़कों पर लोग अब उतर आए हैं। हिजाब के समर्थन में सड़कों पर जो है पुरजोर आंदोलन किया जा रहा है। ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये मुंबई की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, मुंबई की मुमरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंदोलन किया जा रहा है। कर्नाटका का असर मुंबई से सटे मुमरा में भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट का साफ तौर पर महिलाओं ने यहां पर समर्थन किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो नकाब, जो पोस्टर में नकाब पहने लड़की नजर आ रही है, हिजाब पहने लड़की नजर आ रही है, वो और कोई नहीं बल्कि मुस्कान है। जी हाँ, वही मुस्कान जिसने जय श्री राम की गूंज के बीच अल्लाह अकबर के नारे जो है वो कई लड़कों के बीच में, गुटों के बीच में जाकर जो लगाए थे, जिसे 5 लाख का इनाम भी जो है वो घोषित किया गया। लेकिन सरकार के तमाम कहने के बाद भी कि दूसरे राज्यों के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में अशांति ना फैलाया जाए, महाराष्ट्र में आंदोलन ना किया जाए, लेकिन जिसके बावजूद भी आप साफ तौर पर लोगों का आक्रोश सुन सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो नजर आ रहे हैं। मुंबई के सड़कों पर भी अब हिजाब को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। सिर्फ मुंबई के ही सड़कों पर नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में जो है इस तरीके के आंदोलन देखे जा रहे हैं। हिजाब और बुर्का पहने महिलाएं जो है सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध और प्रदर्शन कर रही है। और साफ तौर पर, हम इस देश की बेटियां हैं, हमें नफरत के तराजू में मत बांटो, ये पोस्टर पर आप साफ तौर पर लिखा हुआ जो है वो पढ़ सकते हैं। लोगों का विरोध जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। नकाब हमारा जेवर है, हम हरगिज ना इसे छोड़ेंगे, इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लोगों के हाथ में है। कर्नाटक सरकार होश में आओ, हिजाब पर लगी पाबंदी हटाओ, इस तरीके के बैनर्स, प्लेकार्ड जो है वो इन महिलाओं के हाथ में है। और काफी ज्यादा विरोध, गुस्सा जो है वो देखा जा सकता है। हिजाब का जो लगातार विरोध किया जा रहा है कर्नाटका में, आप लोगों का गुस्सा जो है, नारेबाजी जो है, घोषणा जो है वो सुन सकते हैं कि किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है। मुमरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई तक भी ये आग अब पहुंच चुकी है। कर्नाटका स्थित मंड्या में हिजाब को लेकर एक मामला सामने आया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक मुस्लिम छात्रा ने एजुकेशन कैंपस में अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इसके साथ ही वहां पर कई और लड़के नजर आए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दरअसल मामला स्कूल और कॉलेज ड्रेसिंग कोड और यूनिफॉर्म को लेकर जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कर्नाटका के स्कूल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने को लेकर मनाही की गई है, जिसके वजह से मुस्लिम समुदाय जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। अब एक तरफ भगवा वर्सेस हिजाब, तो वही अल्लाह अकबर वर्सेस जय श्री राम के नारे लगाते हुए साफ तौर पर लोग दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं का जो है क्या कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर संवाददाता प्रीतम सिंह ने कुछ महिलाओं से बात की है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महिला इस पर, महिलाओं का इस पूरे मामलों पर क्या कहना है। अपना देश जर अपन पाहिलं तर विविधतेने नटलेला आहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई असा आपण ज्यावेळी नारा देतो, आणि आमची एखादी मुस्लिम महिला मुलगी कॉलेजमध्ये शिक्षा घेण्यासाठी ज्यावेळी तिचं जे धार्मिक अस्त्र वस्त्र आहे ते घालून जर ती कॉलेजमध्ये प्रवेश करत असेल, तर या देशातले काही आरएसएसचे गुंड, काही बजरंग दलाचे गुंड तिच्यावर अंगावर धावून येतात आणि तिचा विरोध करतात। याला विरोध म्हणून आम्ही आज, मी स्वतः हिंदू आहे पण मी आज नकाब हिजाब घालून इथं प्रोटेस्ट करण्यासाठी कलेक्टर ऑफिसवर आहे। आम्ही शिवाजी चौकातून इथंपर्यंत आलो, प्रतिकात्मक आम्ही आमच्या मुस्लिम भगिनी घेऊन इथं आलेलो आहे। कर्नाटकाचे मंत्री ज्यावेळी म्हणतात की महिला तोकडे कपडे घालतात म्हणून देशामध्ये बलात्काराचा रेशियो वाढत चाललाय, तर आता कर्नाटकाच्या मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना माझं आव्हान आहे की जर मुस्लिम महिला आमची नकशिकांत कपडे घालून कॉलेजमध्ये जात असेल तर तिला विरोध आपण का करतात? तुमची ही आरएसएसची मनुवादी वृत्ती हेच याच्या पाठीमागं कारण आहे।
साफ तौर पर आपने सुना कि महिलाओं का आक्रोश किस तरीके से, महिलाएं जो है मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित इस फैसले के बाद, इस पाबंदी के बाद नजर आ रही है। देश के तमाम कोने कोने में अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है।